नौतपा के तीसरे दिन मई के महीने में लखनऊ में भीषण गर्मी का दौर जारी है। यहां अधिकतम तापमान 44.3 और न्यूनतम तापमान 31.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वही राजधानी में मंगलवार और बुधवार को फिलहाल कोई राहत के आसार नहीं है। प्रदेश में झांसी सबसे गर्म रहा, यहां का पारा 48.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यहां इतना पारा 132 साल पहले दर्ज किया गया था। वही आगरा में गर्मी ने पिछले 26 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहां का पारा सोमवार को 47.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो प्रदेश में दूसरा सबसे गर्म शहर रहा। इससे पहले 27 मई 1998 में आगरा का अधिकतम तापमान 48.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था। वही हरदोई, लखीमपुर खीरी, वाराणसी, बहराइच, प्रयागराज और लखनऊ में न्यूनतम तापमान 30.4 डिग्री से 31.8 डिग्री के बीच रहा। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई तक फिलहाल मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा। वही 30 मई से तापमान में बदलाव शुरू होगा। उत्तर प्रदेश में बढ़ती गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। हालांकि जिन्हें अपने जरूरी कामों से निकलना है उन्हें तो निकलना ही पड़ेगा, चाहे फिर हॉस्पिटल जाना हो या ऑफिस जाना हो। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। उन्होंने बताया है कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ सकती है। और अगर हम डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है कि इस भीषण गर्मी में 12 से 3 बजे के बीच बच्चे व बुजुर्ग ना निकलें, लगातार लिक्विड का सेवन करते रहें और धूप में न निकले। कैमरामैन आदित्य के साथ रेहान वार, CMK न्यूज़ लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मौसम की बात करें तो जैसा कि अभी ताप लहर एवं लू की सिचुएशन बनी हुई है, स्पेशल जो हमारा रीजन है प्रयागराज, आगरा और बुंदेलखंड जो रीजन है वहाँ पर ये सिचुएशन बनी हुई है। प्रदेश के अन्य हिस्सों में जैसा कि अभी तक उसमें रात्रि की सिचुएशन बनी हुई थी, तो आने वाले दिनों की बात करें तो अगले 2 दिनों तक जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है आगरा की रीजन, वहाँ पर ताप लहर इसी तरीके से बनी रहेगी। और अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात तो बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज में भी अभी ताप लहर अगले 2 दिनों तक बनी रहेगी। उसके बाद थोड़ा सा फिर रिलीफ मिलने की संभावना है 2 से 3 दिनों के बाद। और अगर हम तराई बेल्ट की बात करें तो उधर आज से ही थोड़ा हल्का हल्का रिलीफ मिलना स्टार्ट हो गया है। तो जो हमारा जो मेन कंसर्न है सेंट्रल उत्तर प्रदेश और जो सेंट्रल के नीचे जो MP और MP से सटे हुए जो ज़िले हैं नीचे के हिस्से, जैसे आगरा, प्रयागराज, बुंदेलखंड रीजन में अभी तापमान अगले 2-3 दिनों तक इसी तरह का 2 दिनों तक बना रहेगा। उसके बाद फिर थोड़ी सी रिलीफ मिलने की संभावना है। इसी मामले से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता रेहान वारसी। जी रेहान, जैसे नौतपा मतलब 9 दिन भीषण गर्मी का लोगों को सामना करना पड़ेगा, तो आज नौतपा का तीसरा दिन रहा, तो आज उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज कैसा रहा ये जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल मुस्कान, में बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। और अगर हम पारे की बात करें तो 47-48 डिग्री सेल्सियस पारा जा रहा है, जिसमें लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है, चाहे स्कूली बच्चे हों या ऑफिस वाले हों। लेकिन अगर बात करें तो जिनको जरूरी काम होता है वही निकलते हैं, और गर्मी ने लोगों की बहुत हालत खराब कर रखी है। अभी प्रशासन द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही है जो सही होंगी, जो सही साबित हो रही है? पियाव जल की व्यवस्था की जा रही है, और जो ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो उनके लिए भी तमाम तरीके की कैनोपी लगाई जा रही है और उनको हेलमेट दिए जा रहे हैं, उनके लिए भी सारी व्यवस्थाएं, पेयजल की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और नगर निगम भी आज से सक्रिय हो गया है। नगर आयुक्त ने सख्त निर्देश दिए हैं कि लखनऊ के हर चौराहे पर पियाव जल की व्यवस्था की जाए, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। जी जी, और सतर्कता बरतने के लिए क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं? सतर्कता की बात करें तो जो डॉक्टर हैं और जो एक्सपर्ट हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो बुजुर्ग और जो बच्चे हैं वो 12 से 2 के बीच ना निकले, और जितना हो सके गर्मी से बचें, बाहर निकलने से बचें, बहुत जरूरी हो तो घर से बाहर निकलें और पानी की बोतल साथ में रखें और मतलब अपना बचाव करें। प्रदेश में झांसी सबसे गर्म रहा, सबसे ज्यादा टेम्परेचर झांसी में रिकॉर्ड किया गया, तो उस पर कुछ जानकारी?
जी बिल्कुल, गर्मी का माहौल है और अगर हम चाहे झांसी की बात करें, कानपुर की बात करें, आगरा की बात करें या उत्तर लखनऊ की बात करें, तो हर जगह गर्मी ने जो है लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। जी जी, आपने जैसे कि बताया गर्मी ने सबका जीना मुहाल कर रखा है, वही आगरा में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी दर्ज की गई है। पिछले 26 साल में इस तरह की गर्मी अभी तक तो रिकॉर्ड नहीं की गई, तो उस पर कुछ। वही मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि लोगों में कैसा सतर्कता देखने को मिल रहा है, कैसे बच रहे हैं लोग अभी गर्मी से? आवाज आपकी नहीं मिल रही है। ठीक है, धन्यवाद, फिर जुड़ेंगे आपके साथ रेहान। तो जैसा कि हमने बताया, नौतपा में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ साबित हो रही है। नौतपा में टेम्परेचर 48 डिग्री के पार पहुंच चुका है, वहीं उत्तर प्रदेश में 26 साल का रिकॉर्ड भी टूटा है।